अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर फ्रेंड्स और प्यारे दोस्तों, आप तमाम का फिर से एक बार इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। हम स्टडी कर रहे हैं TET प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स, जो रियाजी के पिछले साल के क्वेश्चन हैं उन तमाम क्वेश्चन के यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट वाइज। तो हमारा पार्ट नंबर 7th है, 7th पार्ट में हम देखेंगे। हमारा सवाल है 48 सवाल हमारा है, दायरा नुमा बाग में मुस्ततील नुमा मैदान ABCD तैयार किया गया है, जिसकी चौड़ाई 10.5 मीटर है, जिसमें DXC कॉस DXC 60 दर्जे है। दायरवी मैदान को 4 मरतबा तार से घेरने के लिए कितना तार दरकार होगा। अब सवाल में क्या दिया गया है कि एक दायरवी मैदान दिया हुआ है, उसमें एक मुस्ततील नुमा मैदान है, इस तरह मुस्ततील नुमा मैदान एक बना हुआ है, मुस्ततील नुमा मैदान बना है, जिसमें जो है उसकी चौड़ाई 10.5 मीटर है। और यहाँ पर नुक्ता मरकज है O, DXC समझ लो ABCD हाँ, मरकज़ का नाम X से दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह जाविया बनेगा और DXC का जो पैमाइश है वो 60 दर्जे, इस तरह सवाल में दिया गया है। और पूछा क्या गया है, दायरवी मैदान को 4 मरतबा तार से घेरने के लिए कितना तार दरकार होगा। इस तरह तार से घेरने के लिए दायरवी मैदान को 4 मरतबा कितना तार दरकार होगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमको दायरे का मुहित मालूम करना पड़ेगा। दायरे का मुहित का जाप्ता है, दायरे का मुहित का जाप्ता है 2πr, 2πr। अब देखेंगे हम तो ये चारों ज़िले मसावी है और ये ज़िले भी मसावी है, तो ये ज़िले की जो पैमाइश होगी, ये ज़िले की पैमाइश और ये ज़िले की पैमाइश सेम होगी, तो इसकी पैमाइश भी आएगी 10.5। गौर से देखेंगे क्योंकि ये ज़िला और ये ज़िला, ये ज़िला बराबर है और यहाँ पर ये तीनों ज़िला जो है मसावी दिया हुआ है, तो जो ये ज़िले की पैमाइश है वही ये ज़िले की पैमाइश भी होगी। तो यहाँ पर हमको जो है 2 ज़र्ब पाई की कीमत क्या होती है, 22/7 इंटू निस्फ कुत्र कितना दिया हुआ है, 10.5। इसको तकसीम करेंगे, 7 × 7 3 × 7 = 35, 1.5 आएगा जवाब। उसके बाद में इसको ज़र्ब करेंगे, 44 ज़र्ब 1.5। अब 1.5 को 44 से ज़र्ब देने के बाद जवाब आएगा 66, कितना आएगा जवाब आएगा 66। अब सवाल में क्या पूछा गया, दायरवी मैदान को 4 मरतबा, ये हमको मुहित पता चल गया, दायरे का मुहित हमको पता चल गया, तो उसको हम 4 से ज़र्ब कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 24 के 4 हासिल आया 2, 4 × 24 और 2 = 26, तो 264 मीटर हमारा जवाब होगा, 264 मीटर हमारा जवाब होगा। बहुत आसान है, हम माइंड ही माइंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। दायरे के मुहित का ज़ाब्ता रखकर उसमें कीमत को, वैल्यू को पुट करेंगे और इस तरह हमको जो है दायरे का मुहित पता चल जाएगा, उसको 4 मरतबा ज़र्ब कर देंगे तो हमको जो है कितनी तार लगेगी उस दायरवी मैदान को, वो हमें पता चल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 49। सेम 48 नंबर सवाल के जैसे ही सवाल है, ये सवाल TET 2014 में पूछा गया था और ये 2015 में पूछा गया था, सिर्फ कीमत को तब्दील कर दिया गया है, कीमत को तब्दील। देखेंगे, दायरा नुमा मैदान में मुस्ततील नुमा मैदान PQRS तैयार किया गया है, जिसकी लंबाई 14 सम है, कितनी है यहाँ पर 14 सम दिया हुआ है, 14 सम। SYR यहाँ पर नाम चेंज कर दिया गया है, ये
ये आर और ये वाई, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, जिसमें एस वाई आर 60 दर्जे है। दायरवी मैदान को 5 मरतबा, अब यहाँ 5 मरतबा दिए है, तार से घेरने के लिए कितना दरकार होगा, तार दरकार होगा वही जाप्ता है, दायरे का मुहित बराबर 2πr 2/22/7 इंटू 14 सम, कितना है 14 सम, 7 × 7 7 × 14 तो 22 × 44 44 × 2 88। तो दायरे का मुहित हमको पता चल गया 88 है। अब इसको 88 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई 5 से ज़रब दे देंगे तो हमको 5 मरतबा दायरवी मैदान को तार लगाने के लिए कितनी जितनी तार दरकार होगी वो हमें पता चल जाएगी। 8 × 45 के सिफर हासिल है 4, 8 × 45 और 4 = 44 440 मीटर इतनी तार दरकार होगी। तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 भी इसके जैसा ही सेम है, सिर्फ जो है यहाँ पर दायरे के मुहित में कितना तार लगेंगे वो पूछा गया था, और इस सवाल में यहाँ पर जो ज़िला बन रहा था उसकी लंबाई पूछी गई है। सवाल को पढ़ेंगे, एक दायरा नुमा भाग के गिर्द 4 फेरे वाली बाड़ लगाने के लिए 1760 मीटर तार दरकार होता है। इस बाग के किनारों पर 4 खंभों को मसावी फासले पर लगाया गया तो हर 2 मसावी खंभों का दरमियानी फासला क्या होगा। यहाँ पर इस तरह से शक्ल बनेगी, कोई भी नाम दे देंगे ABCD। अच्छा, मसावी फासले पर 4 खंभे लगाए गए हैं और इन खंभों के दरमियान का फासला पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फासला पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दायरे का मुहित कितना दिया, यहाँ पे 1760 मीटर तार दरकार होगी 4 फेरे के लिए। तो हमको एक फेरे के लिए मालूम करना है, 1760 को 4 से तकसीम कर देंगे, 4 × 16 4 × 16 440। तो हमको दायरे का मुहित पता चल गया 440, कितना आ रहा है 440। अब यहाँ पर हमको जो निस्फ कुतर मालूम करना पड़ेगा, ये निस्फ कुतर मालूम हो जाएगा तो हमको जो है ज़िला मालूम हो जाएगा। तो निस्फ कुतर मालूम करने के लिए यहाँ पर दायरे का मुहित दिया हुआ कितना है 440 2πr 440 2/22/7 ज़रब आर। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा जवाब आ रहा है वो आ रहा है 70 सम, आर बराबर 70 सम। इसको हम हल कर लेंगे, यहाँ वक्त कम हमारे पास में, तो हम जो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर जवाब लेकर आएंगे, 70 सम आ रहा है। अब जो है अब क्या है, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 70 सम हमारा जवाब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है गौर करेंगे तो ये 90 मीटर है, ये 90 दर्जे का जाविया है, ये 90 दर्जे का जाविया है, ये 90 का है, ये 90 का है, तो मरकज़ का भी 90 का जाविया बनेगा, मरकज़ का भी कितना जाविया बनेगा 90 का। तो ये 90 दर्जे है तो जाहिर सी बात है ये 45 दर्जे होगा, ये 45 दर्जे होगा, ये 45, ये 45 और 90। तो एक मसला है, एक मौजू है कि 45 45 90 इस जाविये के अंदर, ये हमको 70 सम पता चल गया है, इस किस्म के मुसलस के अंदर जो है 45 45 90, इस किस्म के मुसलस के अंदर ज़िला जो होता है उसका जो लंबाई होती है जज़र 2 होती है, जज़र 2 गुना होती है, कितना होती है जज़र 2 गुना होती है। 30 60 90 का मसला अलग है और यहाँ 45 45 90 का मसला अलग है, 45 45 90 का मसला यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर जो ज़िले की जो लंबाई है वो उसका जज़र 2 गुना होगी, तो हमारा जो जवाब आएगा प्यारे दोस्तों वो रहेगा 70 जज़र 2 सम, ये हमारा जवाब रहेगा, ये हमारा जवाब रहेगा। तो एक ज़िले की लंबाई कितनी आ रही है 70 जज़र 2 सम। तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 51।
متصلہ شکل میں مثلث اے بی سی متساوی الاضلاع مثلث ہے. متساوی الاضلاع مثلث کسے کہتے ہیں؟ ایسا مثلث جس کے تینوں ضلع مساوی ہو اسے کہتے ہیں متساوی الاضلاع مثلث. تو ایکس کی قیمت معلوم کیجیے. ایکس کتنے درجے کا ہے وہ ہم کو معلوم کرنا ہے. 2014 میں ایکس کی ویلو پوچھی گئی تھی اور 2015 میں وائی کی ویلو پوچھی گئی تھی. یہاں پر ہم دونوں کی ویلو پتہ کریں گے. یہاں پر شکل دی ہوئی ہے, یہ مثلث اے بی سی ہے, اس طرح کی شکل ہے. اور یہاں پر ہم کو اس کی قیمت معلوم کرنا ہے, ایکس کی قیمت ہم کو یہاں پر پتہ کرنا ہے کتنی ہے. تو بہت ہی آسان ہے. اگر ہم غور کریں گے تو یہاں پر جو ہے یہ متساوی الاضلاع ہے, تو متساوی الاضلاع مثلث ہے تو اس کے زاویے بھی مساوی ہوں گے. تو یہ 60 درجے کا ہوں گا, یہ 60 درجے کا ہوں گا اور یہ 60 درجے کا ہوں گا. اب غور کریں گے ہم, اگر یہ مثلث لیتے ہیں, یہ والا مثلث غور سے دیکھیں گے تمام بچے, غور سے تمام دوست احباب غور سے دیکھیں گے. اگر یہ مثلث لیتے ہیں ہم, تو یہاں پر یہ 90 درجے کا زاویہ بنے گا. کتنے درجے کا زاویہ بنے گا؟ اس میں 90 درجے کا زاویہ بنے گا. اور اس پہ اس کی تو آدھی قیمت ہو جائے گی. یہ 60 درجے کا تو یہ 30 درجے کا ہو جائے گا. یہ مثلث 30 درجے کا ہو جائے گا. اب جب یہ 30 درجے کا ہے اور یہ 60 درجے کا ہے, یہ 30 اور یہ 60, 30 درجے جمع 60 درجے جمع ایکس جمع ایکس, اور تینوں کی جمع کیا ہوگی؟ 180 درجے. 180 درجے تو ہو جائیں گا 90 جمع ایکس برابر 180. 90 کو ادھر لائیں گے, 90 کو ادھر لائیں گے ہم, سوری 30 ہے, یہ 30 درجے ہے, یہ 90 درجے ہے, یہ 90 درجے ہے. تو یہ ہو جائے گا 120. کتنا ہو جائے گا؟ 120 درجے. اب 120 درجے کو یہ جمع ادھر آ کے تفریق ہو جائے گا. تو 120 میں سے 180 میں سے 120 نکالیں گے تو ہم کو ایکس کی ویلو پتہ ہو جائے گی. ایکس کی ویلو آئے گی 60 درجے. کتنی درجے آئے گی؟ تو ہمارا جواب رہیں گا وہ رہیں گا ایکس کی ویلو کتنی ہے؟ 60 درجے. کتنی ہے؟ اب یہاں پر وائی کی ویلو معلوم کرنا ہے. اگر ہم کو وائی کی ویلو پتہ کرنا ہے تو ہم جو ہے اس مثلث کا سہارا لیں گے, یہ والے مثلث کا سہارا لیں گے, اس مثلث کا سہارا لیں گے. اب یہ 60 درجے ہے, یہ 90 درجے ہے. تو 60 اور 90 کتنا ہو جائے گا؟ 60 جمع 90 برابر 150. تو اس کی جو قیمت ہم کو پتہ چل جائے گی وہ کتنی آئے گی؟ 30 درجے آئے گی, کیونکہ تینوں زاویوں کی جمع کتنی ہوتی ہے؟ 180 درجے ہوتی ہے. اب جب یہ 30 آ جائے گی تو یہاں پر یہ کھتی جوڑی کے زاویے بن رہے. متمم زاویے بن رہے, متمم زاویے بن رہے یہاں پہ. اور متمم زاویوں کی جمع کتنی آتی ہے؟ ہمیشہ 180 درجے آتی ہے, 180 درجے آتی ہے. تو اب یہ 30 نکل جائیں گا تو یہ کتنی درجے وائی جو ہے یہ 150 درجے آئے گا. وائی کی قیمت کتنی آئے گی؟ 150 درجے, 150 درجے. تو ایکس کی ویلیو کتنی ملی ہم کو یہاں پر؟ 60 درجے. اور وائی کی ویلیو کتنی ملی ہم کو؟ 150 درجے. اس طرح کسی بھی درجے کو ہم جو ہے پتہ کر سکتے ہیں سوال کو دیکھ کر. تو بڑھتے پیارے دوست اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 52. 12.5 کلو میٹر لمبے راستے کے دونوں طرف اشتہاری بورڈ لگائے گئے ہیں. اگر اشتہاری بورڈ کی کل تعداد 502 ہے تو دو متبادر بورڈ کا درمیانی فاصلہ کیا ہوں گا؟ ٹی ٹی 2013 میں سوال پوچھا گیا تھا. فرض کرو یہ روڈ ہے, اس کے دونوں طرف جو ہے بورڈ لگائے گئے. کیا لگائے گئے؟ بورڈ لگائے گئے ہیں جن کی تعداد کتنی ہے؟ 502. جن کی تعداد کتنی ہے؟ 502. اور ہر دو متبادر بورڈ کے درمیان کا فاصلہ پوچھا گیا ہے. کیا پوچھا گیا ہے؟ اور اس کی لمبائی دی گئی ہے 12.5 کلو میٹر. 12.5 کلو میٹر. تو سب سے پہلے ہم جو اس کو جو ہے کلو میٹر کو میٹر میں کنورٹ کریں گے تو ہمارا جواب آئے گا 12,500. کتنا جواب آئے گا؟ 12,500. اب غور کریں گے تو دونوں طرف کا دیا ہے تو اس کو جو دو سے تقسیم کریں گے, دو دوے چار, ایک بچا دو پنچے دس, دو ایک دو, ایک طرف 251 بورڈ آئے گے. 251 بورڈ آئے گے. اب 251 بورڈ آئے گے تو پیر تو ہم غور کریں گے, اگر یہ ہم یہ سیڑھی ہے اور پوچھا گیا اس کے درمیان کا فاصلہ, تو یہاں پر دو یہ تین بورڈ میں سے
दो ही फासला बन रहा है, यहाँ दो फासला बन रहा है, तो तीन है तो एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 251 है तो उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे तो एक तरफ 250 बोर्ड आएंगे, एक तरफ 250 बोर्ड आएंगे, तो हम जो है उसको जो है 250 से तकसीम कर देंगे, 250 से तकसीम कर देंगे, तो ये सिफर सिफर कट हो जाएगा, 25 एक 25 बनजे 125, तो हमारा जवाब आएगा 50 मीटर, कितना आएगा 50 मीटर। समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमको जो है लॉजिक पर ध्यान देना है, ट्रिक पर ध्यान देना है, किस तरह हम इसको आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उस बात को सिर्फ ध्यान में रखना है, सॉल्यूशन पर इतना ध्यान नहीं देना है, बल्कि लॉजिक पर ध्यान देना है, शॉर्ट ट्रिक पर ध्यान देना है। तो प्यारे दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ, 53 सवाल नंबर 53। तो हमारा सवाल नंबर 53 बहुत ही आसान है, एक लॉजिक है, शॉर्ट ट्रिक है, अगर हम उसको ध्यान में रखेंगे तो चंद सेकंड के अंदर हम जो है जवाब पता कर सकते हैं। सवाल के मंदरजा ज़ैल दिए गए सेट में कौन सा सेट मुसलस नहीं बनाता, कौन सा सेट, हमने यहाँ पर डायरेक्ट जवाब लिखा है 50, 90 और 30। तो इसके एक लॉजिक क्या है कि मुसलस के दो ज़िलों की जमा, मुसलस के दो ज़िलों की जमा हमेशा तीसरे ज़िले से ज़्यादा होगी, दो ज़िलों की जमा, यहाँ पर हम देखेंगे 50, 90 और 30। तो अगर ये दो ज़िले लेते हैं हम, 50 जमा 30 बराबर 80, तो ये तीसरे ज़िले से कम आ रही है, ये तीसरे ज़िले से कम आ रही है, तो ये जो है एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है कि मुसलस के दो ज़िलों की जमा हमेशा तीसरे ज़िले से ज़्यादा होगी। हम उस सेट को तलाश करेंगे और उसको गौर खोज करेंगे कि किस सेट के अंदर जो है दो ज़िलों की जमा तीसरे ज़िले से कम है, दो ज़िलों की जमा तीसरे ज़िले से कम है, तो हमारा जो जवाब रहेगा वो रहेगा 50, 90 और 30, 50, 90 और 30। बहुत ही आसान सवाल था, बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 54। सवाल नंबर 54 में बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमको शॉर्ट ट्रिक पर ध्यान देना है बस। एक दायरे पर वाक्य 7 नुकात को मिलाने के लिए 4 कतः खत बनाए गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा और कितने कतः खत बनाए जा सकते हैं। हमको सवाल में सिर्फ जो है लॉजिक पर ध्यान देना है, शॉर्ट ट्रिक पर ध्यान देना है कि हम इस सवाल को शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से कैसे हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 7 नुकात दिए है, तो 7 में से एक माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6। अब उससे छोटे आज़ाद जितने उनकी जमा कर देंगे, 6 जमा 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1। अब इन तमाम आदात की जमा कर लेंगे, इन तमाम आदात की क्या करेंगे, तो इनकी जमा आएंगी इनकी जमा आएंगी 21। कितनी आएंगी 21, 6 में 5 मिलाए 11, 11 में 4 मिलाए 15, 15 में 3 मिलाए 18, 18 में 2 मिलाए 20, 20 में 1 मिलाए 21। अब वहाँ पर सवाल में पहले से 4 कतः खत बने हुए हैं, 4 कतः खत पहले से बने हुए हैं, तो 4 को माइनस कर देंगे तो जो जितने कतः खत आएगी वो हमारा जवाब रहेगा, तो हमारा जवाब रहेगा 17। कितना रहेगा 17। बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन था, 17 हमारा जवाब आएगा। तो प्यारे दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 55। तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 52। जूजन का PQTU में PUQT खत ये बराबर है, उमूद है, जिसमें UT 15 सम है, QR 9 सम है और QT 38 सम है, तो निशान ज़दा और गैर निशान ज़दा हिस्सों के अहातों के दरमियान कितने सम का फ़र्क होगा। सवाल नंबर, ये जो सवाल है TT 2016 में पूछा गया था। आप देखेंगे यहाँ पर तो शक्ल दी हुई है जिसमें QR जो है, QR ये 9 सम है और UT 15 सम है, UT 15 सम है और QT 38 सम है, तो ये 9 और 9 18, ये भी 9 सम आएगा, ये 15 सम आएगा, तो 9 और 9 18 में से 38 में से 18 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 20 सम। तो 20 सम ये RS की पैमाइश होंगी, RS की पैमाइश कितनी होगी 20 सम। अब यहाँ पर जो है गौर करेंगे तो यहाँ पर फीसागोरस का मसला इस्तेमाल होगा। फीसागोरस का मसला क्या है कि वितर का मुरब्बा, UT का मुरब्बा
ये बाकी दो ज़िलों के मुरब्बों की जमा के बराबर होता है, तो यू एस स्क्वायर जमा एस टी स्क्वायर। ये फीसागोरस का मसला है कि वितर का मुरब्बा बाकी दो ज़िलों की मुरब्बों की जमा के बराबर होता है। अब वितर का मुरब्बा यहाँ पर दिया हुआ 15 का स्क्वायर बराबर यू एस, ये हमको मालूम करना है, और एस टी दिया हुआ है 9 का स्क्वायर। अभी बनो यहाँ पर जमा, यहाँ इधर आकर तफरीक हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर तफरीक 9 का स्क्वायर बराबर यू एस का स्क्वायर। वितर का मुरब्बा 15 का मुरब्बा 225, 9 का 81, माइनस करेंगे तो आज जवाब आएगा 144 ये 12 का मुरब्बा है, 12 का मुरब्बा है, तो यू एस हमको पता चल जाएगा कितना आएगा 12, यू एस कितना आएगा 12। अब यहाँ पर हम जो है इसका ज़्यादा मालूम हो जाएगा, 9 में 12 मिलाए 21, 21 में 15 मिलाए 36, ये इस मुसलस का अहाता मालूम हो जाएंगे हमको 36, और इस मुसलस का अहाता भी 36, तो मुसलस का अहाता कितना आ जा रहा है 72, कितना आ रहा है 72। अब सवाल पूछा गया है कि निशान ज़दा और गैर निशान ज़दा हिस्सों के अहातों के दरमियान कितने सम का फ़र्क है, तो हमको मुस्ततील का अहाता भी मालूम करना पड़ेगा, मुस्ततील का अहाता हमको पता करना पड़ेगा, मुस्ततील का अहाता। तो मुस्ततील के अहाते का ज़ाबता है 2 ज़र्ब लंबाई जमा चौड़ाई, 2 ज़र्ब लंबाई जमा चौड़ाई। अब ये 20 लंबाई है, यहाँ 2 ज़र्ब लंबाई जमा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 20 समय और लंबाई 12 समय, इसमें 12 मिला 32, 2 ज़र्ब बराबर 64। अब माइनस 72 में से 64 माइनस कर देंगे तो हमको फ़र्क मालूम हो जाएगा और आएगा 8 सम, कितना आएगा 8 सम, तो हमारा जवाब रहेगा 8 सम, कितना जवाब रहेगा 8 सम। तो निशान ज़दा और गैर निशान ज़दा हिस्सों के दरमियान, इहातों के दरमियान कितने सम का फ़र्क है, तो 8 सम का फ़र्क है, कितने सम का फ़र्क है 8 सम का फ़र्क है। तो प्यारे दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 53। तो सवाल नंबर 53 है, मुत्तसला शक्ल में खतूत एक्स, ये दो उमूद है वाई पे, और खतूत एल उमूद है एम पर, तो मेज़र एंगल ए का दर्जा कितना हुआ हमको पता करना है, ए हमको मालूम करना है, ए कितने जाविया है, ए कितने दर्जे का जाविया है हमको पता करना है। तो गौर करेंगे अजीज़ सुलभ तलबात, तो यहाँ पर जो है 80 एक्स, सॉरी यहाँ पर क्या है नाम, पी एल आर में जो है एल 80 दर्जे का है, तो मुसलस के तीनों जावियों की जमा 180 दर्जे होती है, तो ये 50 दर्जे का होगा और ये 50 दर्जे का होगा, 50 100 और 80 180, तो एंगल आर जो है ये 130 दर्जे का होगा। अगर एंगल आर 130 दर्जे का हो रहा है तो ये जाविया भी 130 दर्जे का होगा, ये जाविया भी 130 दर्जे का होगा। अब गौर करेंगे ये 130 दर्जे का है तो ये अंदर का ये पूरा जाविया भी 130 दर्जे का होगा, 130 दर्जे का होगा। अब ये दोनों ज़िले जो है मसावी है, ये दोनों ज़िले मसावी है, तो 130 का आधा यहाँ पर ये एक दूसरे को निस्प करेगा, तो ए का जो जाविया आएगा वो आएगा 65 दर्जे, कितना आएगा 65 दर्जे। इस तरह इस हमको जो है ज्योमेट्री के बहुत सारे उसूल हैं वो पता होना चाहिए, जैसे खत्ते जोड़ी के जाविये, मुकाबला जाविये, मुतबादला जाविये, बहुत सारे जाविये के हमको पता होना चाहिए, मालूमात होना चाहिए, उसकी मदद से हम जो है इस तरह के क्वेश्चन को आसानी के साथ में हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जवाब रहेगा ए 65 दर्जे का जाविया बनेगा, यहाँ पर कितने दर्जे का जाविया बनेगा 65 दर्जे का जाविया बनेगा। तो बढ़ते प्यारे दोस्तों अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 54। अगला सवाल है, एक कारीगर बांस की 3 सीढ़ियाँ बनाता है, हर सीढ़ी पर 50 सम के फासले पर एक कदमचा ऐसे 11 कदमचे लगाता है, तो कदमचों के अलावा कुल कितनी लंबाई के बांस दरकार होंगे। ये सवाल TET 2014 में पूछा गया था,
तो सबसे पहले हम जो एक सीढ़ी एक सीढ़ी का फासला मालूम करेंगे, क्या दिया हुआ है कि तीन सीढ़ियाँ बनाता है, कितनी सीढ़ियाँ बनाता है, तीन सीढ़ियाँ बनाता है और हर कदमचे को 50 सम के फासले पर रखता है, कुल 11 कदमचे रखता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब गौर करें हम तो यहाँ पर एक फासला छोड़ रहा है और यहाँ पर ऊपर फासला छोड़ रहा है, तो यहाँ पर जो है ये 11 कदमचे आएंगे, 11 कदमचे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और दरमियानी फासला जो है ये 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा, 12 ज़रब 50, तो ये हो जाएगा 600 सम। कितना हो जाएगा? 600 सम। तो एक तरफ का हमको पता चल गया, एक तरफ की लंबाई बांस की, तो दोनों तरफ कितने हो जाएंगे? 600 ज़रब 2, 1200 सम। तो हमको एक सीढ़ी के अंदर जो बांस लगा है, ये जो लगा है साइड से, उसकी लंबाई हमको पता चल गई कितनी आएगी? 1200 सेंटीमीटर आएगी। और पूछा क्या गया है कि तीन सीढ़ियाँ, कितनी सीढ़ियाँ? तो 1200 को 3 से ज़रब दे देंगे तो आ जाएगा 3600। कितना आ जाएगा? 3600 सम। और अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 36 मीटर। कितना आएगा? 36 मीटर। तो हमारा जवाब रहेगा 36 मीटर बांस दरकार होंगे तीन सीढ़ियाँ बनाने के लिए, कदमचों के अलावा, कदमचों के अलावा। तो अजीज़ दोस्तों और डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पार्ट नंबर 7 TET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नई वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।